नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। हम हमें हैं आपके छटोरी भाभी, हाजिर हैं आज के हमारे नए प्रोमो के साथ में। भाई आपके इसका एक गुम है किसी के प्यार में, कहानी ऐसी हो गई है कि जहां हमारी सावी एक तरफ अपने चाय की दुकान पर बैठ के बस दुखों का दुख रो रही है कि मतलब कैसे भैया काहे हो गया ऐसे, कि मतलब हम तो अलग हो गए हैं। और ये चीज़ के लिए भैया वो खबर भी सामने जल्दी जल्दी आप लोगों को पता चलेगा, जहाँ एक तरफ भैया ईशान के घर पे है ना, उनका रस्म स्टार्ट हो गया है और ऐसे में भैया दोनों परिवार मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा है। अगर एक तरफ ईशान का परिवार इस चीज़ के लिए सेलिब्रेट कर रहा है, वहाँ पर वो सब लोग की संगीत वंगीत चलती रहती है, दूसरी तरफ भैया सावी अपने गमों में दुख है में बहुत ज़्यादा ये हो गई है। और ऐसे में भैया उसके चाय के दुकान के पास में ना जाकर ट्रक रुकता है और उस ट्रक से निकलते हैं पोस्टर भैया किसके, ये ईशान और रीवा की शादी के। अब जहाँ एक तरफ भैया ऐसी बात है, वहीं दूसरी तरफ है ना जो ईशान की मतलब आई है ना वो ईसा, डॉक्टर ईसा, मतलब वो इस चीज़ के लिए वो करती है कि हम अपने बेटे को है ना भैया गलत डिसीजन ना ही लेने देंगे, काहे कि हम जानते हैं कि ईशान के लिए कौन सही है और कौन नहीं। और ऐसे में उस चीज़ के लिए बोल सोच रही हैं कि हम ईशान को इसके लिए रोकेंगे। और वहीं जहाँ पर परिवार के बीच में भैया सबकी बारी बारी से ना वो गेम खेला जाता है, संगीत हुआ होता है और वो सब लोग एक दूसरे के बारे में सच्चाई बताते हैं। जहाँ पर भैया उसकी जो कहते हैं ना कि बहन है, उसका भी पोल खुलाता है कि उसका बॉयफ्रेंड है ऐसे वैसे, और सब राव साहेब, बक्का साहेब सब इस चीज़ के लिए वो करते हैं। वहीं ईशान को भी मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा खुश देखा जाता है अपने परिवार लोगों के साथ में। और वहीं सावी ने अब अपना जो चाबी है ना अपनी दुकान का, वो भैया थमा दिया है मिश्रा जी को, शुक्ला जी को, मतलब हाँ शुक्ला जी को, कहा कि भैया वो इस चीज़ को बता दी है कि हमारा कल पेपर है और ये लास्ट है यहाँ पर, ओके बाद में हम है ना ये छोड़कर शहर चले जाएंगे। तो ऐसे में भैया उनको तो बहुत बुरा लग रहा है शुक्ला जी को, कहा कि वो तो भैया एक तरीके से उनका परिवार का सदस्य बन गई थी और अब ऐसे में वो दूर जाने की बात कर रही हैं। जहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर दिखाया गया है कि जो पाटिल है वो जेल से भैया छूट गया है, मतलब छूट नहीं गया है, उसने अपने किसी कॉन्स्टेबल को भैया आप देखो का दिया है रिश्वत। तो ऐसे में वो चाबी खोल देता है और एक बाद में है ना वो चोरी छिपे एक ट्रक में भर के मतलब घुस के चला जाता है, जहाँ पर उसने एक गोली भी मार दी है इंसान को। अब वो कौन है वो तो आप पूरा भैया एपिसोड देखें तब आप लोग को पता चलेगा। तब अभी के लिए तो भैया बस यही है कि एक परिवार में ना गेम खेलते खेलते पूछा जाता है ईशान को कि तुम्हारी फेवरेट इंसान कौन है, तो वो बता देता है सावी। अब ऐसे में देखा जाए तो दोनों जोन है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, पर क्या होगा सावी और ईशान का रिश्ता आगे कौन सा मुँह लेगा, ये तो आप पूरा एपिसोड देखें तब आपको पता चलेगा। तब तक के लिए हम ना भैया ऐसे ही आएंगे नए प्रोमो के साथ में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम।